वरना तू अपने घर का है, ओ पैसा है तो So hey all, good morning, welcome back to my channel Informatica. I hope you guys are doing absolutely good. So basically in this video, I'm trying to cover up the repeated question that I'm getting in my comment box that yes, I am having 40,000 rank in Comet K, I'm having 60,000 rank in my Comet K. Should I choose KIIT, SRM over KMIT K? Should I choose ये भी branch, वो branch, circuital branches, AI ले लूँ, ML ले लूँ? क्यों इतना परेशान हो भाई लोग? क्यों इतना परेशान हो? First of all, I want this answer from you all guys. रीजन है देखो एकदम हार्ड ट्रूथ एंड हार्ड रियलिटी बोलूंगा, आप लोग को अच्छा भी लग सकता है खराब भी. सी इतना परेशान होना था तो मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, पर इतना परेशान होना था तो जेई मेंस के पेपर में इतना परेशान होना था. अब आप लोग परेशान हो रहे हो कि मैं केट में आई ले लूँ कि 40,000 रैंक है वो वाले कॉलेज में कॉमेंट में जाके सी एस सी लूँ. परेशान होकर कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई विल बी टेलिंग द रीजन क्यों परेशान इस पर नहीं होने का है. देखो जो जाना था वो जा चुका है, आपको बस अब बेस्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है. अब कुछ भी चीज ऐसे कंपेयर नहीं हो सकता है कि हाँ मेरे को जो 40,000 रैंक में जो कॉलेजेस मिलेगी वो अच्छी होगी, या फिर मेरे को जो किट में AIML वाली ब्रांचेस मिल रही है, सर्किटल ब्रांचेस मिल रही है वो अच्छी है. अब जो भी डिपेंड करेगा वो मार्केट सिनेरियो आपकी स्किल्स डेवलपमेंट विद इन दिस 4 ईयर्स, और हाँ उस कॉलेज में क्या प्लेसमेंट की असिस्टेंट है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है. अब आप सोचोगे कि नहीं मैं अभी से पूरा एनालाइज करके बैठ जाऊँ कि मेरी 60,000 रैंक थी, मेरे को किट ही अच्छा है, कि मेरे को SRM में जाना चाहिए, मणिपाल में जाना चाहिए, VIT में जाना चाहिए, कुछ मतलब कि पूरा कॉम्प्लिकेट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है. जहां जाना चाहिए वो मैं सो चुका है, मतलब एक हार्ड रियलिटी है. एंड इट्स नॉट लाइक दैट सब लोग जा भी नहीं सकते वहां, लाइक सीट परसेंट कितना है, 1% भी सीट नहीं है. अगर 1,000,000 बच्चे अपेयर कर रहे हैं तो भाई आप देखोगे तो 30,000 सीट्स ही गवर्नमेंट कॉलेजेस, मतलब IITs, NITs, IIITs अगर आप मिला रहे हो सारे ब्रांचेस को भी, तो भाई 30,000 सीट्स भी कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है. तो जो कि आई थिंक द रेशियो इज less than 3% आई वुड से. तो ठीक है वो चला गया, पर हाँ अब आगे क्या होगा उसके लिए इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को, ठीक है. अब सुनो कि आपको क्या डिसीजन लेना है, किस बेसिस पर डिसीजन लेना. आई नो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन, क्योंकि आपके 4 साल इसमें लगने वाली है. पैसे वैसे हटा दो, 4 साल आप डिसाइड करने वाले हो यहाँ पे कि आपके लिए सही है गलत है. 4 साल आप इन्वेस्ट करने वाले हो, 4 साल आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी लगने वाली है. मे भी बहुत लोग लोन के थ्रू जाएंगे, बहुत लोग पेरेंट्स मनी इन्वेस्ट करेंगे, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए अच्छा क्या है. तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि क्यों देखोगे मुझे. सो आई एम एज एन IT वर्किंग इन एन IT कंपनी सिंस लाइक 3-4 ईयर्स, एंड यस आई लव मेकिंग वीडियोस रिगार्डिंग IT कंपनीज, कॉलेज रिव्यूज, प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, स्विचिंग एक्सपीरियंस, ऑन साइड एक्सपीरियंस, एंड यस कनेक्टिंग विद लॉट्स ऑफ पीपल, टेकिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, एंड यस डिलीवरिंग द बेस्ट सो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर समवन. So if you are somehow in line with this kind of thing, you can subscribe my channel. Definitely some or the other thing you will be getting from my channel that can be helpful for you all guys. क्योंकि अभी 12th में हो, कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प होगा, कॉलेज में चले जाओगे, प्राइवेट कॉलेज में खास कर जाओगे तो हाँ बहुत हेल्प आने वाला है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज, कौन से कंपनीज में टारगेट कैसे करना है, किस कंपनी की क्या क्राइटेरिया रहती है, एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, उस एक्सपेक्टेशन को मीट कैसे करना है. कुछ स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे मेरे एंड से. सो मीट एवरेज लेवल में अगर आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, 8-10 लाख 11 लाख के पैकेज को ट्राई कर रहे हो, या सब्सक्राइब करके रखो, कहीं ना कहीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी इस वीडियो मेरे वीडियो के थ्रू, बिकॉज देयर आर मोर देन 650+ वीडियोस राइट नाउ इन माय चैनल. एंड हाँ अगर इस कम्युनिटी से हो, इस लाइन से हो, तो कोई ना कोई वीडियो तो आपको हेल्प जरूर करेगा. और हाँ कमेंट में आप अपनी सारी डाउट्स पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके डाउट पूछ सकते हो, उस पर भी मन नहीं भरता है तो यार टॉपमेट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के बायो में, वहां से बुक कर सकते हो मेरे साथ स्लॉट पर्सनली. यू कैन कनेक्ट विद मी बिकॉज यू नो परफेक्शन नीड्स अ राइट डायरेक्शन, एंड यस एक्सपीरियंस के हेल्प से डेफिनेटली विल बी गेटिंग सम बेटर व्यू, बेटर आइडिया दैट हाउ यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर यू. ठीक है, 10 लाख लोगों के लिए एक जैसी ऑप्शन अवेलेबल तो हो ही नहीं सकती है, सबकी इंडिविजुअल चॉइसेस होगी, सबके इंडिविजुअल गोल्स होंगे, मे बी आपका गोल कुछ और है, मेरा गोल कुछ और है, सबके गोल अलग रहेंगे. तो एज पर दैट आई विल बी ट्राइंग टू गिव यू द बेटर सजेशन. 10 मिनट के भी सेशन अवेलेबल है, 1 घंटे के भी सेशन अवेलेबल है, 15 मिनट, 30 मिनट, जैसा आप चाहो. 10 मिनट में ट्रायल लेना चाहो 10 मिनट की ट्रायल ले लो. हाँ पर हाँ अगर आपको कमेंट में क्वेरी सॉल्व करना तो कमेंट में भी डाल सकते हो. ये सब हटाओ, अब चलो मुद्दे पे आते हैं. ठीक है, मुद्दा ये है अभी कि एडमिशन सेशन चल रहा है 2024 का,
एडमिशन सेशन में सबसे बड़े परेशानी अभी ये हो रहा है कि कॉमेडी का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। आई एम ऑल्सो जस्ट लाइक यू ऑल गाइस, मेरा भी कुछ 15-20 हज़ार रैंक आया था। इतना ही टाइप का डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रहा था भाई कि यहाँ जाए गेट चले जाए एस आर एम चले जाए, क्योंकि कहीं भी प्रॉपरली सी एस सी नहीं मिल रहा था। अगर कॉमेडी के में भी अगर आपको सी एस सी आई टी चाहिए तो मान लो कि आप रमैया वमैया में भी कॉलेज में खत्म हो जाता है 1500-2000 रैंक में। सी एस सी आई टी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ब्रांचेस के लिए अगर आप वेट करोगे तो थोड़ा लेट तक जाता है, ठीक है। क्लोजिंग अगर आप देखोगे राउंड 3 में राउंड 2 में तो बहुत पीछे तक जाता है, बट अगर सी एस सी आई टी प्रॉपरली बात करोगे तो भाई 1500 के अंदर बीएमएस खत्म हो जाएगा, रमैया खत्म हो जाएगा, आरबी खत्म हो जाएगा, दयानंद सागर तक टच कर जाएगा, क्योंकि जो आजकल काउंसलिंग हो रही है 2000 रुपये में ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। ऑनलाइन चल रही है तो भाई सब लोग पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट है कॉमेडी के में जाना है या नहीं जाना है, कुछ और कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान है, बट हाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको रियल चेंज देखना है तो आपको राउंड 3 में मिलेगा देखने को, क्योंकि वहां पे जब 1 लाख सम मोर देन 8 लाख दे वांट अ पेमेंट, तो वहां पे जो सीरियस एस्पिरेंट है वही बसते हैं वहां पे, जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसके बाद आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, वो पैसा आपका डूब जाएगा अगर आप बैकआउट करते हो उस मोमेंट के बाद। तो हाँ पार्टिसिपेट करो आप, बट हाँ अभी ये सब सारे सोचों को हटा दो कि मेरे को 40,000 रैंक में कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो कॉलेज से आपका प्लेसमेंट कैसा होगा ये कोई नहीं जानता है, लिटरली नो वन नोज। ये टोटली डिपेंड अपॉन मार्केट सिनेरियो, आपकी कॉलेज में किस तरह की कंपनी विजिट करती है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है उस साल की, ये सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। बट हाँ आपके तो अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेना है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है टोटली डिपेंड ना। तो आप जैसे कि मान लो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे को कि एस आर एम में चले जाए गेट चले जाए 40,000 आएंगे कॉमेंट के में, 60,000 आएंगे कॉमेंट के में, इसी के ही मिलेगा कि नहीं। सबसे बड़ा एक स्कैम के बारे में बताता हूँ कॉमेंट के में, कि आपको सारे जो टॉप कॉलेजेस है आरबी रहे चाहे रमैया रहे चाहे बीएमएस रहे, सबके सेकंड कैंपस है, ठीक है। एजेंट्स आपको पुल आउट करने की ट्राई करेंगे, चलो सेकंड कैंपस में, सेकंड कैंपस में बोलेंगे भी नहीं, मेंशन भी नहीं करेंगे, दे विल बी ट्राइंग टू टेल यू कि चलो मैं आरबी में आपके एडमिशन करा देता हूँ 5 लाख रुपए दे दो मेरे को, चलो मैं रमैया में एडमिशन करा देता हूँ 3 लाख रुपए दे दो। असली में ये सारे कॉलेजेस के डोनेशन बहुत ज्यादा है, और आप ये देखते कि 3 लाख में रमैया का टैग मिल रहा है पे कर दोगे, और उसके बाद आपको मिलेगा कुछ नहीं सेकंड कैंपस, जो कि जहां एडमिशन ही कोई नहीं लेने आता, लोकल आइट रहते हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोकल। एंड आई एम हैविंग अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम द पीपल हु शेयर टू मी दैट सेकंड कैंपस में तो भाई एडमिशन लेना मत, उससे बढ़िया डीम्ड यूनिवर्सिटी में चले जाना है, चाहे आप किट पकड़ लो, एसआरएम पकड़ लो, मणिपाल पकड़ लो, वीआईटी पकड़ लो, बट हाँ ये सेकंड कैंपस में वो भी पैसा देके, इनफैक्ट मैं बोलूंगा यार पैसे नहीं भी दे रहे हो तो यार कुछ अच्छे ऑप्शन अपने लिए खोजो। आई विल बी मेकिंग वीडियोज रिगार्डिंग कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गुड इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेजेस अंडर 10 लाख्स ऑफ, इफ यू वॉन्ट डू कमेंट दैट यस प्लीज मेक इन मेक दिस वीडियो अंडर 10 लाख्स। बट हाँ यहाँ पे अगर आप सी एस सी आई टी टारगेट कर रहे हो तो देखो 40,000, 50,000, 60,000 रैंक, अगर आपके पास अदर ऑप्शन है आई वुड रिकमेंड गो फॉर दैट। मतलब अगर आपके पास एसआरएम का ऑप्शन है, किट का ऑप्शन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ ब्रो। एंड हाँ फिनेंशियली आप मतलब फिनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई अब पूरा लोन लेके चले गए किट, मैं तो ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, इतना अच्छा आरओआई नहीं है कहीं भी जाओगे, चाहे एसआरएम पकड़ लो चाहे किट पकड़ लो। बट हाँ इफ यू थिंक यू कैन मैनेज समहाउ आप जा सकते हो, मैनेजेबल है चीजें, तो आप कर सकते हो चीजों को, ठीक है। बट हाँ उसके बाद भी ऑप्शंस होते हैं, खाली किट और कॉमेट के में दुनिया खत्म नहीं होगा, स्टेट कॉलेजेस है ब्रो। उड़ीसा में अगर आप उठा के देखोगे तो सिलिकॉन मिल जाएगा आपको, सीवी रमन मिल जाएगा, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, एनआईएसटी मिल जाएगा, बहुत सारे एन नंबर ऑफ कॉलेजेस मिल जाएंगे वहां पे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। मे बी बहुत लोगों के पेरेंट्स, इंडिया इज अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, वी लिव इन अ कंट्री वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्सिटी लिव, ओके। किसी के लिए 20 लाख रुपए कुछ नहीं है, बट हाँ किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है, और किसी के लिए 5 लाख रुपए इज जस्ट अ बहुत बड़ा अमाउंट। इट्स अ वेरी फैक्ट थिंग आई एम टॉकिंग एंड रिलेटिंग टू यू, बिकॉज बहुत लोग इस प्रॉब्लम से जा रहे होंगे कि भाई मतलब ये हो जाता ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, किट की इतनी अच्छी ब्रांडिंग है, चले जाते हैं 20 लाख फेंक देते हैं, पेरेंट्स को परेशान करते हैं, खुद पे लोन ले लेते हैं। ब्रो थांबा, कॉमेट के किट के बाद भी दुनिया है, वेस्ट बंगाल में भी, अगर आप इस रीजन से हो, देखो मैं ऑल ओवर इंडिया तो नहीं बोलूंगा, अभी अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हो लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो डेफिनेटली आप स्टेट कॉलेजेस को भी ट्राई कर सकते हो, वेदर इट्स बी WBJEE में ट्राई करो, OJEE में ट्राई करो, ठीक है। दे आर वेरी हैविंग अ बेटर चीपर ऑप्शन। अब देखो वहां पे भी फिर सेकंड कैंपस के लिए IEM के बाद आपको मिलेगा UEM, तो आप एक बार कॉलेज सिलेक्शन के पहले थोड़ा नाम पे मत चले जाना कि हाँ चलो UEM मिल रहा पर सेकंड कैंपस में हम घुस जा रहे हैं,
थोड़ा रिसर्च करो कॉलेज के बारे में, थोड़ा क्लैरिटी ले आओ। टेक्नो इंडिया की मेन कॉलेज होगी, टेक्नो इंडिया की 50 यूनिवर्सिटी खुली हुई है, तो आप एक बार ट्राई करो, क्लैरिटी लाओ, जहां भी पहले ट्राई करो अपना बेस्ट ऑप्शन लो। ये नहीं बोल रहा हूँ कोई भी कॉलेज खराब है या अच्छा है या गंदा है, ये टोटली डिपेंड कि आपको अपना बेस्ट ऑप्शन चुनना है। कि सबसे पहले आप अपनों एलिजिबिलिटी देखो, अपना बैंडविड्थ देखो, अपने पेरेंट्स का एलिजिबिलिटी, अपना बैंडविड्थ देखो कि क्या सही रहेगा आपके लिए। मतलब एक अच्छा वाइजर डिसीजन लेना है ना, बहुत बड़ा खराब डिसीजन लेके भी फायदा नहीं है। तो कमेंट के में अगर 40-60 हज़ार रैंक आ गई है और आप लगता है कि मैं मैनेजेबल है, फीस वीस का कोई इशू नहीं है, आई कैन पे एनी फीस, आग बंद करके गेट SRM VIT का नेपाल में एडमिशन ले सकते हो। आग बंद करके इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ फीस इज नॉट एन इशू फॉर मी, वो सब मायने नहीं रखता। बट हाँ, फॉर दो हु थिंक दैट 5 लाख 10 लाख इज अ वेरी बिग अमाउंट एंड होता है बहुत लोगों के लिए, देन हाँ अदर ऑप्शन आर देयर, डोंट जस्ट गो एंड रन बिहाइंड KIT SRM VIT Manipal। ठीक है, ठीक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा चटनी मिलता है भाई, पर क्या फायदा भाई, 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके 200 मान लो समोसा ही खाना है, समोसा बेसलाइन चीज है। अब क्या आप जाते हो थोड़ा स्टैंडर्ड शॉप में तो इमली की चटनी मिल जाएगी, साथ में धनिया की चटनी मिल जाएगी, मेयोनीज डाल देंगे, बस इतना ही फर्क रहेगा। ठीक है, तो क्या मतलब है भाई 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके मेयोनीज खाना है, क्यों खाना है, मेहनत करो कहीं भी जाके। CSCIT क्यों लेना है, इस पे मैं वीडियो बनाया हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हो किसी और ब्रांचेस में तो एकदम भेड़िया के सामने दौड़ जाना है कि नहीं CSCIT ही चाहिए। क्यों, अरे भाई बहुत ऑप्शंस हैं। बट हाँ, वी आर द आउटसोर्सिंग हब, सारे कंपनी की कॉस्ट सेंटर इंडिया में, चाहे आप एप्पल अमेजोन उठा लो, चाहे कुछ भी उठा लो, तो अपॉर्चुनिटीज थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस गोइंग द फ्लो है, तब ले लो CSCIT, फ्लो में आप भी बह जाओगे और हाँ बहते बहते सीख जाओगे, वही चीज़ है। बट हाँ, कुछ ही चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो यार अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, लाइक मैकेनिकल फिजिक्स जो उसका वीडियो सेपरेट है भाई, तुम चाहते चेक करो मेरे चैनल पे। यहाँ मेन इशू है 40,000-60,000 रैंक जिनकी कॉमेंट किया मैं। माय पर्सनल सजेशन, चेक आउट दैट व्हाट इज लाइंग इन योर बैंडविड्थ, आपके पेरेंट्स के बैंडविड्थ में ये सारे प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है या नहीं, नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है। एवरीवेयर द थिंग्स आर बेसलाइन, थिंग्स आर सेम, कहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा चटनी मिल जाता है, डिफरेंस यही है। पर हाँ, उसके लिए 15 लाख रुपए पे करने की जरूरत भी नहीं है एक्स्ट्रा। ओके, ट्राई सर्च फॉर स्टेट कॉलेज। अब हाँ, जो लोग इस रीजन से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र CET, भाई 2-3 लाख रुपए में वहाँ इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अगर इफ यू थिंक कि नहीं उतना हाई फाई फंकी लाइफ नहीं जीना, तो जाओ भाई करो महाराष्ट्र पुणे में। अगर आप कॉलेज उठा के देखोगे 3-4 लाख रुपए में इंजीनियरिंग कंप्लीट, भाई बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं लाख में कंप्लीट हो जाएगी। सो इतना भी फैसिनेट और फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं फंसना है आपको। ठीक है, चूज करो डिसीजन एज पर व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर यू योर फैमिली, बिकॉज सब कुछ देख के चलना है ब्रो। इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ आज के दिन में इंजीनियरिंग कर लिए तो भाई गूगल में ही जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सब कुछ मार्केट पे डिपेंड करेगा, मार्केट सिनेरियो जैसी रहेगी वैसा जॉब लगेगा, मार्केट सिनेरियो अच्छी रहेगी भाई कहीं से लग जाएगी भाई, कहीं से भी पढ़ लो, अपने घर के बगल के कॉलेज से पढ़ लो और थोड़ा बहुत कोडिंग सीख के आ जाना और लग जाएगी। मार्केट कंडीशन खराब है तो भाई IT में भी बैठोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। टोटली डिपेंड अपॉन मार्केट, ये सब्जी बाजार, IT मार्केट इज अ सब्जी बाजार, डिमांड एंड सप्लाई गेम इज देयर, वेर एवर द डिमांड इज मोर, मतलब डिमांड की क्राइसिस रहेगी तो कोई भी अमाउंट आपको मिलता है, डिमांड फुल है तो भाई आपको सस्ते में ही खरीदा जाएगा, वरना आप गल सड़ जाओगे, बस यही समझ जाओ। ठीक है, तो चीज़ों का ऐसे रिलेट करो। और हाँ, अब आप सोच रहे हो मैं तो अपियर नहीं किया, तो फेज 2 की एग्जामिनेशन है SRM की 21 जून से 23 जून को है, अप्लाई कर दो फटाफट। ठीक है, डोनेशन वोनेशन के चक्कर में मत फंसो, वो बहुत बड़ा स्कैम है। सेकंड थिंग, किट की भी जो आपको किट की जो फेज 2 है 9 तारीख से है, देख लो अभी जाके एलिजिबल हो तो फटाफट अप्लाई कर दो। 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, PCM का कोई मैटर नहीं करता, ओवरऑल 60% होना चाहिए फ्रॉम नाउ टू प्लेसमेंट। बट हाँ, 60% इज इंपॉर्टेंट अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हो, कंसल्टिंग बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हो, तो ये काइंड ऑफ एन मैंडेटरी फूड स्टेप होता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है। तो भाई थोड़ा क्लैरिटी ले लो, क्लैरिटी क्या है क्या नहीं है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा अच्छा सा चेक पे लगाओ टिक और हाँ डिसाइड करो कि क्या आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद भी आपको लगता है, इतना क्लैरिटी देने के बाद आपको लगता है कि कुछ डाउट रह गया है, एनी डाउट यू आर मिसिंग आउट, तो ब्रो कमेंट में पूछो क्या जानना है। सस्ते कॉलेजेस, महंगे कॉलेजेस सबके बारे में बताऊंगा, क्या आपके लिए सही है। पर्सनली कनेक्ट करना तो देख लो भाई, टॉपमेट के लिंक है, 10 मिनट का सेशन भी ले सकते हो मेरे से, कनेक्ट करो पर्सनली मेरे से, पूछो क्या सही है क्या गलत है, एनास पर जब टेक द डिसीजन, बिकॉज यू नो परफेक्शन इन्स अ राइट डायरेक्शन। और हाँ, बस फोमो और लोग जिधर चल रहे उधर चलने के चक्कर में थोड़ा, देखो गलत डिसीजन सही डिसीजन तो कुछ नहीं होता, बट हाँ
ऐसा करो जो तुम्हारे लिए भी फिजिबल हो, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी फिजिबल हो, बस यही मैं बोलूंगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। नेक्स्ट वीडियो आई एम प्लानिंग लाइक टू ब्रिंग आउट सम डीम्ड यूनिवर्सिटी दैट इज बिलो 10 लाख, 10 लाख के नीचे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है और अच्छी है, अच्छी मीन्स अच्छी ओनली। अब IIT NIT वाले से तो कंपेयर ही मत करना ब्रो, उन लोग से कंपेयर करने चले गए तो बोलोगे वीडियो में गाली दोगे कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को बता रहा है तू। हाँ, बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिसेंट यूनिवर्सिटी ओनली दैट इज हैविंग सम कंपनी कनेक्ट्स, गुड एलुमनाई कनेक्ट, बिकॉज यू नो इन कंपनीज आर इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंपनीज आर और कंपनीज आर कमिंग टू दैट यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ एलुमनाई कनेक्ट ओनली। तो जिनकी बेसलाइन थोड़ी ठीक है उसके बारे में बात करूंगा, 10 लाख के अंदर कौन कौन सी अच्छी है, स्टेट कॉलेजेस के बारे में अगर जानना है उसके लिए भी कमेंट करके पूछो। और हाँ, कुछ भी और जानना है, पर्सनल चीज जानना है तो भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई, पर्सनली तो मैं हर एक डाउट नहीं जान सकता हूँ। कुछ इश्यूज है, 10-12 में इश्यूज है, ड्रॉप ईयर ले लिया है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है, टॉपमेट में कनेक्ट करो पर्सनली 10-20-25 मिनट जो भी करना है देख लो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग कर दो, डेफिनेटली आई विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू आउट बिकॉज आई लव डूइंग सो। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, कॉलेज सिलेक्शन एंड एवरीथिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।